सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी आज प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। तीसरे चौथे चरण के उम्मीदवारों की सूची आज जारी की जा सकती है। आपको बता दें पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों की सूची पहले ही जारी कर दी गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है। आपको बता दें तीसरे और चौथे चरण के उम्मीदवारों की सूची आज जारी की जा सकती है। इसके लिए कई दौरों की बैठकें भी हुई हैं। आपको बता दें कोर ग्रुप की एक महत्वपूर्ण बैठक भी कल बुलाई गई थी, जहां पर तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई, उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर के बातचीत हुई है। कई विधायकों मंत्रियों की सीटें बदली जा सकती हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है। और मौजूदा 20% विधायकों के टिकट भी कट सकते हैं, प्रदेश पदाधिकारी भी प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से खबर है, आज बीजेपी द्वारा तीसरे और चौथे चरण के उम्मीदवारों की सूची जारी की जा सकती है। पहले और दूसरे चरण के लिए पहले ही सूची जारी कर दी गई थी। अवैस उस्मानी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अवैस, क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है? एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है सूत्रों के हवाले से हालांकि ये खबर है तीसरे और चौथे चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा सकती है। कौन कौन से नाम इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं आज? दो दिनों से दिल्ली में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे, चौथे और पांचवें चरण को लेकर मंथन चल रहा था, और हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि आज बीजेपी तीसरे और चौथे चरण के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा जो है वो कर सकती है। हालांकि ये लिस्ट जो है बहुत ज्यादा चौंकाने वाली होगी, क्योंकि कई ऐसे प्रदेश पदाधिकारी हैं उनके नाम इस लिस्ट में शामिल होंगे। इसके अलावा कई एमएलसी के नाम भी इस लिस्ट में शामिल किए जा सकते हैं, ये जानकारी हमारे सूत्रों ने हमें दी। इसके अलावा 20% जो मौजूदा विधायक हैं उनके टिकट कट सकते हैं। इससे पहले हमने पहले और दूसरे चरण की जब लिस्ट जारी हुई थी उस दौरान भी देखा था कि 20 विधायकों के नाम जो हैं वो कटे थे, और लगभग 106 विधायकों की लिस्ट जो है, उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो बीजेपी की तरफ से जारी की गई थी। साफ तौर पर इस बार भी जब तीसरे और चौथे चरण की लिस्ट जारी होगी तो 20% मौजूदा विधायकों के टिकट जो है वो काटे जा सकते हैं। इसके साथ ही हमारे सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि जो मौजूदा विधायक मंत्री हैं प्रदेश सरकार में और जो पदाधिकारी हैं उनके सीटों का जो है वो बदला जा सकता है, उनको किसी और सीट से या अन्य सीट से जहाँ से वो विधायक हैं मौजूदा सीट बदल कर किसी दूसरी सीट से चुनाव उनको लड़ाया जा सकता है। फिलहाल अगर पहले और दूसरे अगर चुनाव की बात करें चरण की, तो उसमें अब तक बीजेपी की तरफ से 110 सीटें जो है, 10 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। 3 लिस्ट अब तक बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। ऐसे में आज उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी की तरफ से तीसरे और चौथे चरण को लेकर उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी की जा सकती है देर शाम तक। बिल्कुल। अब ऐसे एक बड़ी अपडेट ये भी निकल करके सामने आई है कि मौजूदा 20% विधायकों के टिकट भी कट सकते हैं। कौन कौन से वो नेता है, कौन कौन से विधायक है जिनके ऊपर गाज गिर सकती है? बिल्कुल, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि मौजूदा विधायकों के टिकट जो है वो तीसरे और चौथे चरण में भी कट सकते हैं। पहले दूसरे चरण में भी ऐसा देखने में आया था, और 20% मौजूदा विधायक जो है तीसरे चौथे चरण में उनके टिकट कटेंगे। ये ऐसे विधायक हैं जिनके काम से पार्टी खुश नहीं है, जिनका अपने क्षेत्र में फीडबैक अच्छा नहीं है, अपने क्षेत्र में उतना ज्यादा दबदबा अभी बरकरार नहीं है, या फिर एंटी इनकम्बेंसी कहा जाए। चलिए अवैस, आप नजर आ रहे हैं कि आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अवैस। वही उत्तर प्रदेश में नेताओं के आचार संहिता के उल्लंघन